गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पाठ 11 है हमारा दयालु राजकुमार। देखिए आज इस पाठ में हम एक दयालु राजकुमार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसका पाठ परिचय है। प्रस्तुत पाठ में राजकुमार सिद्धार्थ की दयालुता तथा राजकुमार देवदत्त की क्रूरता और निर्दयता को दर्शाया गया है। देखिए इस पाठ में कपिल वस्तु नगरी में एक सुंदर बाग था। एक दिन प्रातः वहां राजकुमार सिद्धार्थ सैर कर रहे थे। वहां तरह तरह के फूल खिले थे। राजकुमार सिद्धार्थ स्वभाव से बड़े सुशील और सदाचारी थे। वे अपने मित्रों से बातें कर रहे थे, तभी एक हंस पंख फड़फड़ाता हुआ उनके सामने जमीन पर आ गिरा। वह घायल था और तड़प रहा था। राजकुमार को उस पर दया आ गई। उन्होंने आगे बढ़कर जल्दी से उसे उठाया। हंस खून से लथपथ था। हंस की छाती में एक बाण लगा था। राजकुमार ने धीरे से बाण को निकाला, हंस के घाव को साफ किया, उसकी पट्टी बांधी, फिर प्यार से उसे पुचकारने लगे। कुछ समय बाद सिद्धार्थ का चचेरा भाई, चचेरा यानी चाचा का लड़का, राजकुमार देवदत्त वहां आ पहुंचा। उसके एक हाथ में धनुष था। देवदत्त सिद्धार्थ से बोला, भाई यह हंस मेरा है, इसे मैंने मारा है, इसे तुम मुझे दे दो। राजकुमार सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय भाई मैंने इसे बचाया है, इस कारण इस पर मेरा अधिकार है। तुमने तो विनाश किया है। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। तुमने तो विनाश किया है। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। राजकुमार देवदत्त क्रोधित होकर वहां से चला गया। उसने राजा से शिकायत की। राजा ने सिद्धार्थ को दरबार में बुलाया। आज्ञा अनुसार हंस को गोद में लिए हुए सिद्धार्थ राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। सभा में देवदत्त ने सारी घटना कह सुनाई। महाराज, सुबह बाग में घूमते समय मैंने एक हंस को आकाश में उड़ते हुए देखा। मैंने उस पर बाण चलाया। हंस घायल होकर नीचे सिद्धार्थ के सामने गिर पड़ा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। हंस का शिकार मैंने किया है, यह मुझे मिलना चाहिए। राजा ने देवदत्त की बात समाप्त होने पर सिद्धार्थ से जवाब मांगा। राजकुमार सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, महाराज उपवन में टहलते हुए यह हंस मेरे सामने गिरा। यह कष्ट से चीख रहा था, मैंने इसके प्राणों की रक्षा की। मारने वाले की अपेक्षा बचाने वाला अधिकार ज्यादा है। बचाने वाले का अधिकार ज्यादा है, अतः यह हंस मेरा है। राजा ने हंस को नीचे रखवाया और कहा, दोनों राजकुमार हंस के सामने खड़े होकर उसे अपने पास बुलाओ। हंस अपने स्वामी के पास चला जाएगा। एक एक करके दोनों राजकुमारों ने हंस को पुचकार कर अपने पास बुलाया। देवदत्त के बुलाने पर हंस अपनी जगह से तस्से मस्तक न हुआ, परंतु सिद्धार्थ के एक बार पुचकारने पर ही तुरंत उनके पास चला गया। राजा ने वह हंस सिद्धार्थ को सौंप दिया। अंत में प्रेम की ही जीत हुई। सचमुच पक्षी भी प्रेम की भाषा को समझते हैं। इस कहानी से हमें यह पता चला है कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, हमेशा सबका ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए इसमें शब्दार्थ दे रखे हैं। देखिए, बाग बगीचा, मित्र दोस्त, विनाश तोड़ना फोड़ना, सदाचारी अच्छे आचरण वाला, प्रातः सुबह,
प्रातः सुबह घायल चोट खाया हुआ, घायल चोट खाया हुआ, कष्ट पीड़ा, कष्ट पीड़ा, क्रोधित गुस्सा, क्रोधित गुस्सा। अब ये पाठ हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। आपको इसके मौखिक प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं, राइटिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।